नमस्कार राजेश सर, क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बीजगणित के 20 महत्वपूर्ण सूत्रों को बताया जाएगा, तो देखिए बीजगणित के 20 महत्वपूर्ण सूत्र। पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका विस्तार होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगला देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पुनः है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। अब देखिए ये इतना आ रहा है कि नहीं, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है टू ए बी, और ये फोर ए बी। अब देखिए इसमें से जब सरल करेंगे तो टू ए बी माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो हम जरूरत पड़ने पर ए प्लस बी स्क्वायर को ए माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी लिख सकते हैं। अब देखिए अगला ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब देखिए इस सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। तो देखिए इतना आ रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इसका विस्तार होगा और माइनस फोर ए बी, तो रटने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखिए चार है यहाँ माइनस, ये दो कट जाएगा तो माइनस टू ए बी। यानी इस सूत्र को हम ऐसे ऐसे और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जब कोई समस्या आएगी गणित में तो आप इसका प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं। अब देखिए अगला सूत्र जो है आपके सामने है ए प्लस बी का होल क्यू, तो देखिए इसको लिखेंगे ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ध्यान दीजिए देखिए ए क्यू है प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, यहाँ तीन घात दो घात एक घात शून्य घात, अब बी का घात क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो समझ कर याद करिए। अब हम अगला सूत्र इसी का इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल की ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए अगला ए माइनस बी होल क्यू ए क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, और इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी। तो जैसा जहां प्रयोग होगा उपयोग होगा उसे आप इन सर समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं। अगला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी हम लोग जान रहे थे ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि ज्यों ही विस्तार करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी, ये कट गया और बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जरूरत पड़ने पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस टू ए बी, ये इससे कट जाएगा फिर आपका बचेगा ये। अब देखिए अगला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में क्या कर दें ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में क्या कर देंगे ए माइनस बी। अब देखिए इसका भी गुणनखंड होगा, तो क्या करेंगे एक कोष्टक में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, दूसरे में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। देखिए किस प्रकार ए माइनस बी, तो हम इसको अंडर रूट लिख देंगे कोई अंतर नहीं होगा, माइनस अंडर रूट बी
होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसी सूत्र से ऐसे लिख देंगे। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी का भी गुणनखंड होता है, आप आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए अगला सूत्र जो आपके सामने है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगला सूत्र आपके सामने है, ए घाते फोर माइनस बी घाते फोर, और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और देखिए तो क्या होगा, एक में प्लस दूसरे में माइनस हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह ए स्क्वायर है। अब इस ये जस का तस होगा और ये एक में प्लस एक में माइनस, यानी हम इसका भी गुणनखंड कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके सामने है। अब अगला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर पहले का दो घात, दूसरे का दो घात, तीसरे का यानी सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इन दोनों का गुणनखंड गुणनफल, फिर बी सी टू बी सी प्लस टू सी ए। तो ए प्लस बी का, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए सत्रहवां, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस थ्री ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, यानी ऐसे आप तीनों का गुणा करके कर सकते हैं। अब अगला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। तो क्या करेंगे, ए वे प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो आप इसका गुणनखंड इस प्रकार कर सकते हैं। अब अगला है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखिए टू ए बी टू सी ए प्लस टू ए डी प्लस टू बी सी प्लस टू बी डी प्लस टू सी डी। अब अगला और अंतिम है आपके सामने, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्री ए बी सी। अब इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ से यही है, यदि ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्या करेगा ये पूरे जीरो का। अब जैसे ये जीरो हो गया और ये आप उतार देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा होगा, तो फिर ये भी जीरो हो जाएगा। और आप इसको पक्षांतर कर देंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी, यानी कोई प्रश्न में दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। नमस्कार।